तो सभी लोगों के पास से सामने एक निष्क्रिय हो गई। तब कर्ण ने दुर्योधन के कर्ण को कहा कि अब कुछ तो कर उसको मार। तो अर्जुन के लिए जो उपयोग करने वाला बाण था उन्होंने घटोत्कच पर ये बात वैष्णवों ने पता चली, मौर्य को पता चली और उन्होंने कहा कि मेरे पति का मरण अगर कृष्ण के कहने पर हुआ है तो कोई प्राप्त करेंगे। इसके बाद जब ये बात बर्बर को पता चली कि घटोत्कच मर गया है तो उसे भी में वो डायरेक्ट कृष्ण के पास आए और कहा कि प्रभु मुझे आज्ञा है तीन बाण में युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण का तीन बाण में युद्ध कैसा करेंगे जो मैंने पहले कहा धर्म के बारे में वैसा है। कृष्ण ने बताया श्रीदेव कहा उन्होंने कहा जो वर्ग कमजोर होगा उसके ऊपर बाण चलाऊंगा और वो मर जाएंगे, जो वीर है उनके ऊपर नहीं। तो कृष्ण ने कहा कि तीन बचे के लिए एक बार द्वारा पहले कमजोर होंगे पांच पांडव और कुरुक्षेत्र के लिए कौरव के साथ अक्षौहिणी सेना तो बाण चलाए बाण चलाए तो कौरव ये माया की विद्या नहीं है इसलिए कि तू कभी रोष में आकर क्योंकि तू उस राक्षस से उत्पन्न हुआ है और तुझे कभी गुस्सा आया तो तू इस बाण का उपयोग करेगा मुझे विश्वास है और ऐसा रोष आकर तू बाण का उपयोग ना करें इसके लिए मैं आपको रखना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या चाहिए मैं तेरा सर चाहता हूँ सर मुझे दे दे। एक क्षण के लिए भी बर्बरिक ने विचार नहीं किया और अपना सर काटकर कृष्ण के हाथ में ले गया। उस समय कृष्ण भी करना से उनके आंखों में भी आंसू आए और उन्होंने उनका सर पकड़ लिया। बोले आज दुर्दशा भी है मां मुझे क्या मांगना है। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे पिता जी इसी युद्ध के कारण चले गए और आपकी कृपा करो उस पर पहली बात तो आपकी कृपा मिल कर दो दूसरा मेरा जो घर है उसको आप स्वयं उसका संस्कार करेंगे उसको जलाएंगे आपकी तो पिता नहीं और तीसरा मैं ये कुरुक्षेत्र युद्ध देखना चाहता हूँ कि मेरे से बलवान कौन है और ये किसने किसने किया है ये मेरे तीन वचन है इसको आप मेरी भी इच्छा पूर्ण करो। तो कृष्ण ने बरवड़ के सर पर रखा जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ बरवड़ का सर रखा हुआ था और बरवड़ के शरीर भर का संस्कार स्वयं कृष्ण ने किया और युद्ध देखने पर जब युद्ध पूर्ण हुआ तो सभी लोग पांडवों ने आकर कहा कौरव सब मर गए हैं तू इसका न्याय कर तू युद्ध देख रहा था ना कि सबसे बड़े योद्धा इसमें कौन है इस युद्ध में युद्ध में तो मैं आज कर रहा कोई भी योद्धा नहीं हो सिर्फ योद्धा जो कृष्ण है उन्होंने सारे पाठ से कर ये सारा सीखा ये युद्ध लिखा है केवल कृष्ण के से बड़ा कोई योद्धा नहीं है। अब ये बात जब बरवड़ी ने कही सब लोग आश्चर्य में रह गए कि कृष्ण रथ चलाते हुए भी एक बड़े महान योद्धा के साथ महान योद्धा के न्याय के युद्ध से जुड़ता है। तो इसका उदाहरण देने के लिए बर्फ ने कहा मैं एक उदाहरण देता हूँ तुम देखो रथ पर आए धर्मराज पांडव आदि सब अपने अपने रथ पर थे सभी लोग उतरे और कृष्ण भी अपने रथ पर बैठ गया अपने रथ पर बैठा था। तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तू रथ पर से उतर जा तो कहा कि ये मान्यता नहीं है रथ का सर्टिफिकेट उतरे बाद में मैं उतरता हूँ आप पहले उतरो आप मेरे मान्य हैं आप पहले उतरो मेरे सर पर इतने नमस्कार करना चाहते हैं आप पहले कृष्ण उतरे बाद में मैं उतरता हूँ। कृष्ण ने समझाया बर्बरिक ने समझाया कि जो कृष्ण कह रहे हैं वो जगत गुरु है उनकी मान्यता उनके उनकी आवाज वो जो कह रहे हैं वो मान ले। तब उन्होंने जब कृष्ण को योगेश्वर और जगत गुरु कहा है तो उसकी बात मान ले और वो कृष्ण की बात कहने पर अर्जुन रथ से उतर गए। बाद में जैसे ही कृष्ण उतर गए तो रथ पूर्ण गति से चलकर बस गए। तब वो कहते हैं अगर फिर अर्जुन मैं पहले उतर जाता तो इसके रथ साथ इसके रथ के साथ भी चल जाता था सारे बाणों को मैंने मेरे आसन के नीचे छुपाए कर था जो विविध ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्र थे उन सभी को मैंने मेरे पांव के नीचे मेरे आसन के नीचे रखा और जैसा ही मैं बाहर आया वो बस वहां अगर मैं पहले उतरता तो इस रथ के साथ भस्म हो जाता। तो
तो ये विज्ञान हमारे पास महाभारत में अगर पहले जाती है इस विज्ञान के बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा। उस वक्षस्थली की साधनाएं यह केवल कामाख्या में ही मिल जाती है पर कामाख्या की विशिष्ट गुफा है जिसे गोरखनाथ गुफा कहा जाता है। उस गोरखनाथ गुफा में अगर जाओ तो एक बड़ा पत्थर केवल इतने नोट का खड़ा इतना बड़ा पत्थर आपने को ऐसा लगता है मिला दे तो मिल जाए लेकिन मिलता नहीं। आज हजारों सालों से वैसे वहाँ गुफा है वहाँ गोरखनाथ जी ने साधना सफल की। अगर आपके जीवन में कभी कामाख्या गए तो उस गोरखनाथ पत्थर के पास जाना और जो आज मैं यहाँ पर दे रहा हूँ विशिष्ट कार्य का आज गुरु के सामने उस मंत्र को लेकर अगर आप तीन महारानी या पांच महारानी मंत्र जो कर लेते हैं यंत्र के सामने और कभी कामाख्या में गए तो इस मंत्र में एक बार केवल उस गुरु गोरखनाथ के पत्थर पर सामने करो और आप विशिष्टता से देखो कि आपको काली माता का दर्शन होगा। माँ आपको काली के रूप में दर्शन देगी और आप पुत्र के रूप में उतने सामर्थ्यवान होंगे आपके गाँव में आपका सम्मान होगा आपके शहर में आपका सम्मान होगा। इस सम्मान समर्पण करने वो निश्चिता के साथ भगवान और अपनी इच्छा पूर्ण करने वाले कहलाए जाएंगे ना कोई भी ऐसा नहीं होगा जिस जो भी सत्ता सफल करता है उसको सम्मान के साथ गौरव के साथ जीना नहीं होता ऐसा नहीं होता तो सम्मान के साथ जीते अपमान के साथ नहीं और धैर्य के साथ जिएगा जो माता है ये माता माँ के रूप में उसकी रक्षा करती है जो इस साधना सफल करता है। इस साधना को इस साधना में तीन साधनाएं नीम है एक स्वर्णकारी साधना दूसरी चित्तकारी साधना तीसरी अग्निकारी साधना इसमें अवधूत जितने भी होते हैं वो ये साधना को संपन्न करते हैं। दूसरा इस संसार के राजा महाराजा जितने भी हैं उन्होंने स्वर्णकारी की साधना संपन्न की और सिद्धकारी सिद्धपुर जो सिद्धार्थ जाना चाहते हैं उस सिद्धकारी की साधना करते हैं। इन तीनों कार्यों की साधना इसमें विशेषता से है आप दशमा विद्या करते समय अगर इस साधना को संपन्न करते हैं आपको मैं कहता हूँ इस साधना को एक बार संपन्न करने के बाद उस यंत्र को अपने पास जीवन भर के लिए रखो या कामाख्या में रहकर कामाख्या के कुंड है कामाख्या में आप गर्दी के ऊपर जाते हैं उस कुंड में साधना करने पर इस यंत्र को आप निश्चित रूप से आपके देखेंगे आपको धन कनक और राजा तक और राजा के समान आपका जीवन मिलेगा। आपके घर में बंध्या को भी कहते हैं कि इस यंत्र पर पानी डालकर फेंकती है तो उसको संतान प्राप्ति होती है और इस साधना को करने वाले के जीवन में इसकी शादियां नहीं हुई इसको कुछ नहीं हुआ केवल इसके ऊपर हल्दी डालकर अगर वो जो भी कन्या कुमारी से है कुमारी है जिसकी शादी जिसका विवाह भी हो रहा है उस हल्दी को उससे स्वर्ण सम्मान सम्मान और उसके पुत्र पुत्रों की कमी नहीं होगी और सुखी होता है वो जो चाहता है उसके साथ। मैंने भी देखा था कि रहने वाले इधर दक्षिण के पुत्र थे और उन्होंने वहां फिर जाकर एक मोरनी से माया वो माया की स्त्री उन्होंने शादी संपन्न करी और शादी करी तो वो लोग उस मंत्र में आज भी हम बहुत सारे लोग मेरे पास आते हुए देखता हूँ क्योंकि मुझे वो सिद्ध नहीं हुआ मैं तो बड़े लोग आए मेरे पास आपको बताता हूँ तुम जो चाहते हो उसको पूर्ण करना चाहते हो तो यह वक्षस्थल साधना शिविर में वक्षस्थल कार्य का आज तक आप कहीं भी कोई भी एक आदमी को बता दो आपको मैं 15 मिनट का साधना देता हूँ मैं भी आपकी साधना संपन्न करता हूँ जो चाहते हैं कि अपनी इच्छा पूर्ण हो वो लोग उस साधना सामग्री को लेकर यहाँ आ गया साधना संपन्न करें।